बुल्ले शाह एक ऐसा अफसाना है, एक ऐसा तराना है जिसे आज भी प्रेम की महफिलों में गाया जाता है। हमने पिछली बार सुना कि इनायत शाह बुल्ले शाह को हिदायत देते हैं कि उसे आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीर का श्रृंगार इस रूहानी जगत में कोई महत्व नहीं रखता। बुल्ले शाह इनायत के आश्रम में बड़े ही नूरानी मस्ती में मस्त होकर रहने लगा। एक दिन इनायत शाह ने बुल्ले शाह की योग्यता देखकर उसे पुराने गुरु भाइयों के साथ कस्बों में जाकर प्रचार करने की आज्ञा दी। इस आज्ञा को पाकर बुल्ले शाह बड़ा खुश हो गया और इस सेवा को बड़े ही चाव से करने लगा। कस्बों में जाकर लोगों के बीच बुल्ले शाह काफियां गा गा कर लोगों को रूहानियत के मार्ग की तरफ जोड़ने का जी जान से प्रयास करने लगा और उसे सफलता भी हाथ लगी। परंतु इसी दौरान बुल्ले शाह की जिंदगी की सड़क पर अचानक एक टेढ़ा मोड़ आया। साधक जब अपनी प्रसिद्धि को अपनी योग्यता का फल मान बैठता है तो वह घड़ी बड़े ही खतरे की हो जाती है, क्योंकि साधक शायद यह भूल जाता है कि यह योग्यता भी उसे गुरु की ही रहमत से प्राप्त हुआ है। प्रचार के इस दौर में एक बार हमारा बुल्ला भी यही भूल कर बैठा। हुआ यूं कि इनायत शाह हर रोज सुबह आश्रम की गायें और भैंसें चराने ले जाया करते थे, साथ में कुछ चुनिंदा शिष्यों को भी ले जाते थे। बुल्ले शाह हमेशा इन चुनिंदों में से एक होता था। इनायत अपनी कुटीर से निकलते तो आवाज लगाते चलते, अहमद, रजाब, सुलेमान, बुल्ला। आवाज सुनकर शिष्य अपनी अपनी गुदड़ी कंधे पर टांग कर एकदम तन जाते, भैंसे खूंटों से खोलकर शाह इनायत के पीछे हो लेते। फिर गुरु और शिष्य की यह टोली कस्बे के सार्वजनिक चारगाहों में जा पहुंचती। यहां इनायत के हुक्म से भैंसों को चरने के लिए खुला छोड़ दिया जाता, उधर अस्ताने का पशुधन अपनी खुराक लेता और इधर इनायत एक छावदार बरगद तले बैठकर साधकों को अपने इश्क के निवाले परोसते। नौबत यह होती कि इससे सभी शिष्य पूर्णतः तृप्त होकर वापस आते। यही रोजाना का क्रम था। सुबह के ये 2 घंटे मानो बुल्ले शाह को रूहानी नाश्ता जिमाते थे। इसलिए बुल्ले शाह रोज सवेरे बड़ी दीनता और मोहताजगी से दामन फैलाए अपने गुरुदेव से इन पलों की मिन्नते किया करते थे कि यह पल मुझे रोजाना प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना किया करते थे। उसकी ये मासूम प्रार्थना ही शायद इनायत के जहन में उसके नाम की अर्जी लगाती थी। वे रोजाना उसे अपने साथ ले जाने को मजबूर हो जाते थे। परंतु अब कुछ रोज से आलम बदला हुआ था। प्रचार की भागम भाग में बुल्ले शाह की निर्दोषता, दीनता कहीं गुम हो गई थी। धीरे धीरे गुरूर
उसके दिलो दिमाग में अपने बेसुरे सुर भरने लगा था। वाह बुल्ले सदके, तू तो काफी बुलंद पैगाम देने लगा है। वो क्या तो काफियां छेड़ा था तूने, आह कस्बे वाले सन्न रह गए थे, बड़े गुरु भाई तक तेरी तारीफ कर रहे थे। क्या अंदाज था, क्या लय थी, शायद तेरे इन्हीं तौर तरीकों की बदौलत हुजूम के हुजूम आश्रम की चौखट चूम रहे हैं आज, और शायद इसीलिए गुरुदेव का खास रुझान तेरी ओर है। तेरी योग्यता देखकर ही शायद गुरुदेव तुझे हमेशा साथ ले जाकर इज्जत बख्शते हैं गुरु भाइयों के बीच। बदकिस्मती से बुल्ले शाह को अपनी इज्जत और हैसियत का एहसास होने लगा था। अहंकार के इस कर्कश शोरगुल ने बुल्ले की उस मीठी प्यारी कसक को कस के धर दबोचा था। अब रोज सुबह बुल्ले शाह प्रार्थना नहीं करता, बल्कि अपने यश कीर्ति पर विश्वास करता और इनायत शाह का इंतजार करता था। गुरु तो सब कुछ से वाकिफ थे, बुल्ले शाह के इन बचकाने ख्यालों और हरकतों को अपनी रूहानी नजरों से बखूबी निहार रहे थे, मगर नजर रखते हुए भी नजर अंदाज कर रहे थे, सब जानते हुए भी अपनी रहमत का पर्दा डाल रहे थे। वे अब भी रोज सुबह उसे अपने साथ ले जाते और सत्संग के बीच बीच में छुपे ढके लफ्जों में चेताते रहते, यही सोचकर कि शायद बुल्ले शाह की तबीयत में कुछ फर्क आ जाए। परंतु बुल्ले शाह के विवेक के आईने पर तो गुरूर की गाढ़ी परत जम चुकी थी। अब जब इनायत ने मर्ज बढ़ता देखा तो हल्की सी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करने की ठानी। आज भी वे रोजाना की तरह अपनी कुटीर से निकले, चुनिंदा शिष्यों को आवाज लगाई, अहमद, रजाक, सुलेमान, अफसल, इन नामों में बुल्ले शाह का नाम कहीं नहीं था। बुल्ले शाह ने इनायत के गुजरते कदमों की आहट तो सुनी, मगर अपने लिए ममता भरी पुकार नहीं सुनी। सुनता भी कैसे, झुकने पर साखी मिलता है, मिन्नत से जामे मैं, ये मैं कदा मुकाम नहीं है गुरूर का। बुल्ले शाह सकपका कर रह गया, उसका चेहरा किसी निचुड़े हुए नींबू जैसा बेरस और सिकुड़ा हुआ दिखने लगा। ये क्या, गुरुदेव ने तो आज मेरी खबर ही नहीं ली, मुझे फरामोश कर दिया, क्या उन्हें ख्याल ही नहीं आया मेरा? अरे ये कैसी बेख्याली है, दुनिया मेरी निगाह में तारीख हो गई, तुमने तो बस एक चिराग जलाकर बुझा दिया। शाह जी, आपकी बेख्याली आपके लिए बेशक मामूली होगी, लेकिन मेरे लिए तो कातिलाना है। जुदा हुआ है तो होशो हवास भी ले जा, ये धूप छांव की धुंधली आस भी ले जा, मैं तिश्नगी का समंदर हूँ रेगिस्तान में, जमी हुई मेरे होठों की प्यास भी ले जा, सांस सांस में खटक रहा है जहाँ फिजा का एहसास, फिजा में बिखरी हुई अपनी बास भी ले जा। आज पहली बार बुल्ले शाह ने जुदाई का कड़वा घूंट भरा था, ऐसी फिजा में सांस लिया था जहां गुरु की खुशबू तो थी परंतु गुरु नहीं थे। आज पहली बार उसके होठों पर आई प्यास बुझी नहीं, जम चुकी थी। गुरुदेव चले गए थे, बस आस रह गई थी, या यूं कहो कि रूह गुम हो गई थी,
बस भीतर कुछ खोखली सीपियां खनक रही थी। बुल्ले शाह अपने कुटिया के एक कोने में जा बैठा मायूस होकर। तो क्या हो गया जो गुरुदेव साथ नहीं ले गए? आश्रम के कितने बड़े साधक भाइयों को तो कभी भी साथ नहीं ले जाते। अब तो तू भी सयाना हो चला है, अपने मन को बुल्ले शाह समझाने लगा। यह भी तो मुमकिन है कि गुरुजी किसी मुद्दे को लेकर व्यस्त हो, इस वजह से जो साधक नजर में आया हो उसी पर नजरे कर्म कर दी हो। जरूर यही बात होगी। बुल्ले शाह खुद को बहुत समझा रहा था, परंतु सैलाब आंखों के किनारे तोड़कर बाढ़ बन बह गया। जज्बात सीने की गहराई छोड़कर हलक के रास्ते बाहर आ गए। घुटने छाती से लगाकर, चेहरा हथेलियों में दुबकाकर, वह एक बच्चों की तरह गुरु के लिए रोने लगा। बिलख बिलख कर रो उठा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा तेरे दामने इश्क की तलब रखता है। झटक कर खींच लोगे तुम दामनगर, आलमे हश्र देखो वे जिद पर आ अड़ता है। बुल्ले शाह बच्चों की तरह रोते रोते प्रार्थना की लय में कुछ बड़बड़ाने लगा। गुरुदेव, क्या मैं इतना सयाना हो गया हूं? हां हां, अब तो मैं अव्वल खां बन गया हूं ना, खलीफा हो गया हूं ना, अब मुझे आपके प्यारे सानिध्य की क्या जरूरत? मैं तो अब बड़ा हो गया हूं। गुरुजी, आपने मुझे क्यों ऐसा रुसवा किया? मुझे अपने दिल से क्यों निकाल दिया? मेरी भूल को आप एक मां की तरह सुधार दीजिए, परंतु ऐसे नजरअंदाज तो न कीजिए। बुल्ले शाह के रोते रोते उसकी हिचकी बंध चुकी थी, हाल बेहाल हो चला था। साधक जब भी अपने गुरु को सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना गुरु के हृदय को तुरंत ही स्पंदित कर देती है। उधर इनायत शाह का दामन भी बुल्ले शाह को सहलाने को बेकरार हो रहा था। अभी कुछ ही लम्हे चारगाह में गुजरे होंगे कि उन्होंने सबको वापस लौटने का हुक्म दे दिया। आज अरसों में पहली बार पशु भूखे पेट आश्रम लौटे। सबने आश्रम में अंदर प्रवेश किया। इनायत ने अपनी रूहानी निगाहें चारों ओर घुमाई। अशकों से तर है हर फूल की पंखुड़ी, रोया है कौन थाम के दामन बहार का। जानी जान इनायत शाह तो यह जानते थे कि रोया कौन है, कहां रिमझिम बरसात हुई है, किस सैलाब ने मिट्टी को भीना और हवाओं को सूंधा किया है। वे बरबस ही बुल्ले शाह की कुटिया की ओर बढ़ चले। इधर बुल्ले शाह ने अचानक गाय भैंसों की रंबाहट सुनी, साथ ही जानी पहचानी चहल पहल और कदमों की आहट। शाहजी, गुरुदेव लौट आए इतनी जल्दी? बुल्ले शाह फुदक उठा, कोने में रखी सुराही से आंखों पर पानी के छींटे मारे, अपने कुर्ते की गीली बाजू से मुंह पोंछा और दौड़कर बाहर आया। जैसे ही दरवाजा खोला तो गुरुदेव मात्र चार कदम की ही दूरी पर थे। बुल्ले शाह ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। इनायत शाह वहीं थम गए और उनकी निगाहें बुल्ले शाह के चेहरे पर
बुल्ले शाह की आंखें लाल लाल सूज कर फूली हुई थी, नाक भुने हुए पकौड़े सी, होंठ लटके हुए, बाल बिखरे हुए, भौवें उलझी हुई। ये दीवाने साधक का श्रृंगार था। बुल्ले शाह को यूं सजा धजा देख इनायत प्यारा सा मुस्कुरा दी। आंखों को बचाए थे हम अश्के शिकायत से, साकी के तबस्सुम ने छलका दिया पैमाना। बुल्ले शाह गुरु की प्यारी मुस्कान देखकर फिर से रो उठा। मुझे रोने दो, मुझे रोने में मिलता है मजा, मुस्कुराओ तुम कि तुम्हें मुस्कुराना चाहिए। मगर इनायत ने गिला से गीले इन अश्कों पर अपना करम नहीं बख्शा। वे बिन कुछ कहे अपने कुटीर में चले गए। अब यह तो मोहब्बत के फरिश्ते सदगुरु ही जानते हैं कि अपने रोते बिलखते साधक को नजरअंदाज करने के लिए उन्हें कितना ताकत जुटाना पड़ता है। मगर वह क्या करें, आशिकी निभाने के साथ साथ उन्हें एक वैद्य का भी तो काम करना है। उधर जिन दलीलों के दावे ठोक ठोक कर बुल्ले शाह खुद को समझा रहा था, वे सभी दलीलें बेदम निकले। मामला सहज सुलझा नहीं था, नजाकत भरा था। बुल्ले शाह अब कुछ कुछ समझ रहा था कि उसके गुरुदेव उससे क्यों नाराज हैं, क्या कारण है नाराजगी का। उसकी निगाह तुम पर पड़ी, सोचा कुछ काबिलियत है तुझ में, पर तू ये क्यों भूल बैठा वो यतीमों पर भी रहमत लुटाता है। बुल्ले शाह खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा और अफसोस से भरी भारी भावों के तले अपने को दबा हुआ पाया। वह किसी तरह इस भार को ढोकर अपने गुरुदेव की कुटिया की चौखट तक पहुंचा।